नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल में बिरसिया के बसई गांव में गायों की कब्रगाह बनी भाजपा नेत्री निर्मला शार्डिल की गौशाला पर प्रशासन ने मंगलवार को बुलडोजर चलवा दिया। भाजपा नेत्री ने एक हेक्टेयर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। इस दौरान उसकी करीब 50-60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को जमींदोज किया गया। गायों की कब्रगाह बनी भाजपा नेत्री निर्मला शार्डिल की गौशाला पर प्रशासन ने मंगलवार को बुलडोजर चलवा दिया। दोपहर 1 बजे के करीब प्रशासन के अमले ने कार्रवाई शुरू की। टीम ने गौशाला के अलावा मकान, बाउंड्री वॉल, टीन शेड, दूध देने वाली गायों के लिए बनाए गए पक्के मकान को दहा दिया। बिरसिया SDM आदित्य जैन ने बताया कि निर्मला बाई की गौशालाओं की गायों को सरकारी गौशालों में शिफ्ट किया गया है। उनकी देखरेख प्रशासन करा रहा है। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस व राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। भाजपा नेत्री निर्मला शार्डिल की बिरसिया स्थित गौशाला के कुएं से 20 गायों के शव, वही मैदान में 80 से ज्यादा गायों के शव व कंकाल पड़े मिले थे। इसके बाद भाजपा नेत्री पर केस दर्ज हो गया था। निर्मला देवी साल 2021 में गौशाला का संचालन कर रही थी। मामले में गृह मंत्री उत्तम मिश्रा के निर्देश पर मजिस्ट्रियल जांच शुरू की गई थी। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। सर, आज की अतिक्रमण विरोधी क्या कार्यवाही है? आज यहाँ पर निर्मला शार्डिल द्वारा करीब 1 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ था, जिसमें कुछ पक्के मकान और कुछ फसल बो के अतिक्रमण किया गया था, जिसको हटाया गया। जो भूमि से अतिक्रमण मुक्त किया गया है, उसकी लगभग कीमत 60 लाख रुपए है और आगे भी अगर कोई अतिक्रमण करता है तो उसको हटाया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।